हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे घर पर रेगुलर टी बनती है उसका जो है हम कैसे रियूज़ कर सकते हैं और जो कि हमें बहुत फ़ायदे पहुँचाती है, तो उसी का रियूज़ मैं आज आपके साथ लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों तरीके की टी का यूज़ करके दिखूंगी। यहाँ पर मैंने टी बैग लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, टी बनाने के बाद में हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। बट इसको इस तरीके से यूज़ करने के बाद में और इसे हमें एक कटोरी में निकाल कर रख देना है और उस कटोरी को जो है हमें फ्रिज में रख देना है। और जिस तरीके से मैंने हाथ पर रख करके दिखाया था, तो इस तरीके से हमें हाथ पर नहीं, आइस पर रखना है। जब फ्रीज से ठंडा 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 टी बैग हम निकालेंगे, उसको आइस पर रखेंगे, तो ब्लैक डार्क सर्कल वगैरह हमारे जो है धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। घर का काम करने के बाद में ये प्रोसेस हम रेगुलर करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे जो है डार्क सर्कल चले जाएंगे। और सेकेंड यूज़ जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम टी बैग को निकाल करके ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में हम जहाँ पर भी हमारे हाथ पैर कहीं और चेहरे पर भी हम इसको इस तरीके से नॉर्मली जो है बैग को उठा करके भी रब कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब हो जाएगा। और नहीं तो फ्रेंड्स, इसको हम इसमें एक चम्मच दो टी बैग लेकर के, दो या तीन टी बैग लेकर के और इसको इस तरीके से हम निकाल देंगे। यहाँ पर पहला तरीका मैंने हाथ पर एकदम रेगुलर था रब करके दिखाया, ताकि आपके पास अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो इस तरीके से आप 2 से 4 मिनट रब कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से 2-3 जो है टी बैग लेकर के और उसमें एक चम्मच शहद मिला करके फेस पे लगा सकते हैं और हल्के हाथों से उसको रब करके और नॉर्मल पानी से इसको धो सकते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारे डेड सेल्स जो है निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से हमारा चेहरा साफ हो जाएगा। और तीसरा तरीका फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरीका हमारा जो है, जो हमारी खुली चाय की पत्ती होती है उसका मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाय बना ली है। चाय बनाने के बाद में जो हमारी ये वेस्ट टी है, तो ये वेस्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है चम्मच निकाल करके एक कटोरी में कर ली है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाब का मेरा पौधा है, मैं इसमें इसको जो है, वैसे नॉर्मली मेरे पास खाद भी रहता है, तो अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप ये ज़रूर यूज़ करिएगा। इस तरीके से हम इसके जो है पौधे में हमें डाल देना है। और फ्रेंड्स, आप ऐसे कर सकते हैं, आपके पास जो भी पौधे हैं उनमें भी हम इसे डाल सकते हैं, लेकिन गुलाब के लिए एक ये रामबाड़ खाद होता है, तो इस तरीके से आप एक एक दिन करके सभी पौधों में हम इसको डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा जो है तरीका है हमारा टी बैग जो है इसको रियूज़ करने का, और बहुत अच्छे से फूल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप जब भी जो है अपना टी बैग खोलो, पैकेट खोलो चाय की पत्ती का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके से कोई भी स्टेनर लेकर उसको इस तरीके से स्टेन कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जितनी भी बारीक जो है चाय की पत्ती रहती है, जो बिल्कुल बारीक डस्ट टाइप सा होता है, तो वो इस तरीके से इस छन्नी की हेल्प से हमारे निकल जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो इस तरीके से ये निकल जाएगी, जो कि जब हम चाय पीते हैं, जो कप वगैरह हम लेते हैं उसके नीचे ये रह जाती है थोड़ी सी, कुछ हमारे अंदर चली भी जाती है चाय के साथ साथ, तो वो हमें नुकसान देती है। तो इस तरीके से आप इसको जो है निकाल करके तभी अपने कंटेनर में भरिएगा चाय की पत्ती को। तो इस तरीके से मैं इसको निकाल लेती हूँ, जब भी मेरे पास वक्त होता है तो मैं इसको इस तरीके से भर कर रखती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम फ्रेश और मोटी चाय की पत्ती रह जाती है, जो कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। इस तरीके से जो भी चाय की पत्ती हमारी बची रहती है उसको मैं जो है एक तरीका और आपके साथ इसी तरीके से मैं शेयर कर रही हूँ। चाहे तो फ्रेंड्स, इस चाय की पत्ती को जो बिल्कुल डस्ट टाइप से बचा है, तो उसको भी हम ऐसे ही पौधों में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं डालना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये तरीका आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इस तरीके से थोड़े से 1 लीटर पानी में जो है इसको पका लिया है चाय की पत्ती को। आपके घर में जितना फर्नीचर हो आपके, उसके आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चाय की पत्ती कितनी सारी बची हुई है। तो इस चाय की पत्ती को भी आप पौधों में बहुत आसानी से डाल सकते हैं, नहीं तो इस चाय की पत्ती को आप सुखा करके
और रख लीजिएगा जहाँ पर भी घर में आपकी कीड़ी वगैरह दिखाई दे, जो कि मौसम के चेंज होने से कीड़ियाँ वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पर इस सूखी चाय की पत्ती को आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये पानी जो बचा है इसको हम किसी भी जो है कॉटन के कपड़े या इस टाइप के कपड़े से आप जो है जो भी आप जिससे आप सफाई करते हैं तो उस कपड़े में इसको कपड़े को इस पानी में डिप कर लीजिएगा। और आपके घर में जो भी फर्नीचर हो उसको आप इससे साफ़ करिएगा, एकदम पॉलिश जो है इससे हो जाता है, एकदम बढ़िया सा लुक जो है हमारे फर्नीचर में आ जाता है। और जो भी इस तरीके से देखिए क्रेयॉन्स वगैरह लगे होते हैं, बच्चे घर में छोटे होते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कैमरा थोड़ा ज़्यादा इसलिए हिल रहा है क्योंकि कैमरा भी मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इसको कर कर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप जो है बहुत अच्छे से इसको क्लीन करिएगा, मैं सिर्फ आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप पूरे फर्नीचर को अपने साफ़ कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार साफ़ करते कर सकते हैं या आप एक मंथ में एक बार साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये हमारा पॉलिश टाइप से हो जाता है और आप देख भी सकते हैं कि ये जो है चाय के पत्ते के पानी से हमारा कितना अच्छे से ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके को भी और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और फ्रेंड्स इस चाय के पत्ते के पानी से हम जब भी सर वगैरह में या कहीं भी आप पैरों वगैरह में मेहंदी लगाते हैं तो इस चाय के पत्ते के पानी से ही आप मेहंदी घोलिएगा तो बहुत अच्छा कलर आएगा और स्टेन बरकरार रहेगा लंबे समय तक। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा, मैंने काफ़ी सारे टिप्स करके दिखाई हैं और कुछ टिप्स मैंने जो है बताई हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स जहाँ तक मैंने जो इस कपड़े को फ्रैक कितना अच्छा लुक आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर।